गुड मॉर्निंग गाइस, कल रात को हम यहाँ पे आए थे। आपने कल का तो दिखा ही हुआ वीडियो, हमने जो डिनर किया था उसके बाद हम रूम पे आए, तो आपको रूम दिखाना रह गया था। तो रूम कुछ इस तरह है, आप देख सकते हो। अंदर वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर गीज़र है और लग्जरियस नहीं बोल सकते, पर जितना चाहिए कम्फर्ट उतना यहाँ पर है। और ये बेड है, और इन बेड में सबसे बड़ी बात है यहाँ पर एक शीट है जो हीटर का काम करती है। पूरी जो शीट है वो पूरा हीट होती है रात को, तो पूरा बेड हमें गर्म लगा रात को। तो हमारे लिए ये सबसे सबसे मतलब सबसे अच्छी बात थी कि हमने कहीं पे भी ये फेस नहीं किया था। मतलब कहीं पे भी हमें अगर ऐसा मिलता था तो हमारा बोलते ना कि नींद और भी अच्छा होता था। क्या बोलते हैं अमर भाई? सही बोले। तो चलिए मैं आपको होटल थोड़ा बाहर से दिखाता हूँ। तो ये रहा होटल का पैसेज, ये देखो। थोड़ा यहाँ पे नर्सरी कराई है और ऊपर भी है, यहाँ पे नीचे अपना बस है। चलिए नीचे जाते हैं। तो हमारे जर्नी का ये डे 7 है और इसके बाद आज हम जाएंगे दार्जिलिंग। गुवाहाटी से हमारा ट्रेन है, तो चलिए अभी नाश्ता करने जाते हैं। और ये देखिए होटल अनु होम स्टे। यहाँ पे हम बैग रखते हैं। सो गाइस, आज हम जहाँ पे रुके वो है अनु होमस्टे और उनकी ओनर है अनु। तो अनु जी, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे अगर मेरे व्यूअर्स को आना होगा तो कैसे आ सकते हैं, और ये यहाँ पे कौन सा स्टेशन नजदीक है? रेलवे स्टेशन बोले तो गुवाहाटी होगा और तेजपुर रहेगा। ओके। और फिर वरना आप लोग गुवाहाटी पहुंचने के बाद में यहाँ कैसे आ सकते हैं, मतलब यहाँ तक तो ट्रेन का सर्विस नहीं है, नहीं है। तो आपको शेयरिंग टैक्सीज मिलेगा, आपको टैक्सी हायर करना होगा। ओके। तो उसके लिए आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर हम लोग अपना गूगल पेज में भी डाल रहे हैं। हाँ, मैं भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। जी हाँ। तो उसके बाद में आपको जैसे शेयरिंग टैक्सी पड़ेगा 1000 से 1500 के अंदर तक आपको मिल जाएगा पर पर्सन। और टैक्सी हायरिंग का मतलब आपको शायद पर पर्सन का जो टैक्स जो फेयर है उसे आप लोग 5 to 6 से इंटू कर दीजिए, उसी का ही बराबर कुछ पड़ेगा। एक्चुअली ये बोमदिला का जो हम लोग का होम स्टे लोकेटेड है वो एक सेंटर ऑफ बोमदिला है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ट ऑफ बोमदिला। तो इसको सेंटर पॉइंट भी बोलते हैं। तो यहाँ से हर लोकेशन 5 to 10 minutes का रास्ता है। सो मार्केट कहे तो आपको 10 minutes है, जहाँ पे हम लोग का लोकल हैंडीक्राफ्ट, लोकल चीज़ें जैसे कि चीज़, याक चीज़ और ये बटर मिल्क का बना छुरकम कहते हैं हम लोग उसे, वो मिलता है, राजमा मिलता है और हम लोग का हैंडक्राफ्टेड बैग्स होता है वो सब मिलता है। और मार्केट में हम लोग का जैसे वुलन कैप्स हो गया, जैकेट्स, ये सब अवेलेबल है। मतलब यहाँ का जो स्पेशलिटी है वो जी। और स्पेशली यहाँ से हम लोग का जो लोकल कप्स रहता है जो यूजुअली हम लोग नीचे से परचेज करते हैं, लेकिन उसे ड्रैगन कप्स कह के बहुत सारे लोग गिफ्ट ले जाते हैं। हाँ। तो वो आप लोग मार्केट में मिल जाएगा अवेलेबल। ओके। और होटल के बारे में मुझे हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या क्या आपने सर्विसेज दी है। अच्छा, तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के रूम हैं, 4 बेडेड, 3 बेडेड और डबल बेडेड। तो 4 बेडेड है 2000 का, जिसमें 4 बेड होगा, अटैच बाथरूम होगा, बेड हीटर्स हैं हमारा, और जो भी सैनिटाइजेशन हो गया, क्लीन होगा, वो सब हम अपने आप से करते हैं। जी हाँ। ओके। और ये 3 बेडेड का होगा, 3 बेडेड होगा उसमें, और उसमें भी वो बाथरूम अटैच है, सेम फैसिलिटीज़। और डबल बेडेड में वही डबल बेडेड जो 1200 का पड़ते हैं। ओके। और हमारे पास में अपना पार्किंग लॉट है जो शायद सर दिखाएंगे। हाँ, आपको मैंने आपको दिखाया, मतलब ये अभी भी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये है पार्किंग लॉट। तो इसका तो वीडियो मैंने सुबह ही आपको शूट किया था, फिर भी और इसके बाद जो बेड के ऊपर जो हीटर है वो कब से, मतलब पहले से ही है या फिर अभी? नहीं सर, पहले हम लोग हीटर या फिर आप लोग ये देख सकते होंगे लोकल जो बुखारी है वो देते थे हम लोग। तो लोगों को मतलब इतना ठंड लगता था कि यूज़ करने को प्रॉब्लम हो जाते। कभी कभार ये बुखारी के ऊपर में कपड़े सुखा देते हैं, वो लोग उनका कपड़ा जल जाता है। विच इज़ ऑल्सो लाइक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ दिस, क्योंकि उसमें
आग होता है, छो देते हैं किसी का हाथ जल जाता है, तो इसीलिए हम लोग ने एक कॉमन स्पेस बनाया है यहाँ पे। और रूम्स में हीटर देते तो हीटर का वोल्टेज हमारे जगह पे लाइक आई डोंट नो बिकॉज ऑफ हिली एरिया तो हीटर का वोल्टेज बहुत कम है, तो लाइक फोर बेडेड में अगर हम एक हीटर दें तो उनको सफिशिएंट नहीं होते, तो हम लोग ने ये बेड हीटर देना लास्ट ईयर से शुरू किया, विच हैज बीन क्वाइट सक्सेसफुल। की अभी तक कुछ कंप्लेन नहीं जो हमने फेस किया, हमने पूरा अरुणाचल प्रदेश ऑलमोस्ट घूमे पर कहीं भी हमें ना ये फैसिलिटी नहीं मिली जी। और ये हमने यहाँ पे आके मिस किया कि अरे ये हर जगह होना चाहिए था, हर जगह होना चाहिए था और हर जगह मिलता था ना, तो जी। तो मैं तो बोलता हूँ कि अगर कोई भी अगर वहाँ के भी होटल वाले रहेंगे तो एक बार आप भी इम्प्लीमेंट करो, टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। तो अनु होमस्टे से निकले हम और अभी आए यहाँ पे, ये हेलीपैड पॉइंट बॉमडीला, आप देख सकते हो मेरे आगे पीछे यहाँ पे, ये पूरा बॉमडीला का टॉप व्यू है। यहाँ से पूरा बॉमडीला दिख रहा है हमें, सब फोटोज निकाल रहे हैं और सामने पूरा हिल वाला पॉइंट है और देख सकते हो बात करने पर हमारा इतना ठंडी है यहाँ पे। सो गाइस फाइनली यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं, यहाँ पे जितना हमें शूट करना था कर लिया है। Meanwhile, अभी हम गुवाहाटी स्टेशन पे आ चुके हैं, यहाँ से हम जाने वाले दार्जिलिंग और यहाँ से हमारे कुछ मेंबर्स, कुछ फ्रेंड्स हमारे साथ नहीं रहेंगे, तो ये मग्गा हमारे राजेश भाई, ये भी नीलेश, थैंक यू फॉर वंडरफुल कंपनी एंड वंडरफुल वीडियोस, थैंक यू। तो ये हमारे साथ अभी दार्जिलिंग नहीं आ रहे, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे श्योर। बैंगलोर में आए तो बैंगलोर में मिलेंगे श्योर भाई। और बाकी दो नहीं आने वाले, एक तो अमर ने आने वाले और मोना, तो इनसे जब मुंबई में आएंगे तो मिलेंगे पक्का। बाकी ये सब अपने साथ आने वाले दार्जिलिंग। थैंक्स एवरीवन, इट वाज अ ग्रेट ट्रिप। हम सब लोग मिलेंगे, तो मेरी आधी आती है, एक साल पक्का करेंगे और बाय। अच्छे से जाओ।